Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis of 8th to 12th May 2021. Let's start the session. Our first news is तो ये हमारा कन्या कोर्स लॉन्च हो चुका है आराम 2021 जिन बच्चों को पूरी सी के जो भी क्वेरी है वो इस पूरे कोर्स में कंप्लीट की जाएगी कंप्लीट कोर्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पेपर वन का जो भी वीडियो लेक्चर है जो भी उसके पी डी एफ़्स हैं यहाँ तक कि पी भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पेपर वन की टेस्ट सीरीज मतलब पूरा मेटेरियल पेपर वन का और ऐसी पेपर टू का सारे वीडियोज़ जो भी सेकेंड टेस्ट सीरीज़ होगी सबसे इंपॉर्टेंट बात पेपर टू के टेस्ट सीरीज़ की ये है कि ये सारी चेक होकर मिलेंगे आपको बहुत जगह ये देखा गया है कि मैंने भी जब मैं प्रिपरेशन करता था तो सिविल uh, सर्विस की एक्चुअली उसमें तो काफ़ी कोचिंग होती हैं लेकिन सी के लिए कोई ऐसा सच कोचिंग नहीं है कोई जो और कोचिंग वगैरह है मैंने करी हैं तो उसमें भी ऐसा होता था कि हम आंसर लिख के देते हैं लेकिन हमें कोई रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं तो यहाँ ऐसा नहीं होगा आप इतना तो हम पे भरोसा कर सकते हैं जो भी टेस्ट, सीरी, टेस्ट सीरीज सेकेंड पेपर टू की टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो रहे हैं उन सबको अच्छे से चेक होके मिलेगा और पेड टेलीग्राम ग्रुप है हम उसका पार्ट होंगे आप लोग करंट अफेयर्स की बुकलेट आपको एक महीना पहले एग्जाम से प्रोवाइड कर दी जाएगी और वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे आपको वन टू वन आपको जो भी दिक्कत हो गेस्ट स्पीकरस और हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कोर्स में कौन पढ़ा रहा है जो बच्चे या जो टीचर्स या जो सर ऑलरेडी सेलेक्टेड है वही लोग पढ़ाएंगे तो उनको पता है कि क्या पूछा जाता है कोई नॉर्मल नहीं पढ़ाएगा टीचर के हम किसी को भी ला के बोल दे रहे हैं कि आप पढ़ा दीजिए नहीं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं जिनकी अच्छी रैंक होल्डर्स हैं वही आपको पढ़ाने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और इसकी नॉमिनल फीस रखी गई हमने कोई ज़्यादा फीस नहीं रखी है सेवन रखी है फीस और इसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे शिवम टेन तो आपको 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा तो आप शिवम 10 का भरपूर यूज कर सकते हैं शिवम 10 का आप जो ये कूपन कोड है किसी भी आप हमारे बहुत सारे जो भी हमारा कोर्स परचेज करना चाहें सब पे अप्लाई होगा और आपको टेन परसेंट का उस पर आपको सीधे सीधे ऑफ मिलेगा सारे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सब पे लगा रहा है तो आप जाके आराम से मेरा कोड लगा सकते हैं शिवम टेन और कोई कूपन कोड नहीं है आप जाके चेक कर सकते हैं ना आपको वेबसाइट पर मिलेगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं केवल उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्हीं को पता ही चल पाएगा हमने इसका और कहीं जिक्र ही नहीं करा आपने देखा होगा टेलीग्राम पर भी हमने कभी नहीं बताया कि शिवम टेन कोड से आपको टेन का डिस्काउंट होगा तो ये मैंने एडिशनल केवल उन्हीं बच्चों के लिए रखा है जो यहाँ पढ़ रहे हैं सिंसियरली मेरे को फॉलो करते हैं इसलिए मैंने उन्हीं बच्चों के लिए टेन का स्पेशल डिस्काउंट रखवाया है तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं आपके ऊपर है आपको लेना है लीजिए नहीं लेना नहीं लीजिए मैं अपनी राय आपको बताई कि आपको लेना चाहिए आपको फायदा होगा और कोई ज्यादा इंक्वायरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं कॉल मत कीजिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज डालिएगा रिप्लाई आ जाएगा बहुत जल्दी हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी सो so, हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं वी मिन बिजनेस सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर ऑन डेली कोटा तो अभी क्या है कि भाई डेली में इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो डेली में ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही है तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया वी मिन बिजनेस हमें चाहिए आपसे बिजनेस हमें फता हमें हमें नहीं लेना देना है आपसे कि आप कहाँ से ऑक्सीजन ला रहे हैं आप कितनी ऑक्सीजन ला रहे हैं लेकिन लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको 700 हंड्रेड टन जो ऑक्सीजन है वो एवरी डे देनी है यहां बहुत अच्छे से लिखा है वी डिड नॉट मीन डेट यू सप्लाई 700 हंड्रेड टन ऑन वन डे ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बस दे दो और खत्म करो ना हमें रोज चाहिए और ये जब तक चाहिए जब तक कि ये सिचुएशन जो नॉर्मल नहीं हो जाए जब तक आपको देना ही पड़ेगा अगर आप नहीं देते हैं याद रखिएगा बहुत ज्यादा भी ये न्यूज में आ रहा है तो आपके ऊपर हम कंटेंट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देंगे कंटम्प ऑफ कोर्ट दो तरीके का होता है एक सिविल होता है एक क्रिमिनल होता है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ याद रखिएगा सिविल होता, होता है क्रिमिनल होता है सिविल क्या होता है जैसे अब ये सिविल कंटैम्ट हो जाएगा सिविल कंटेप्ट कैस हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए और सेंटर जैसे मान नहीं रहा है उस बात को तो वो हो गया सिविल कंटेम्प कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवेलना कर दी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी कंटेंट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकता है ऐसी जो क्रिमिनल चार्ज होते हैं क्रिमिनल चार्ज क्या होते हैं कि आपने कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दिया कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल दिया या आपने कुछ अन एक्ट कर दिया कि आपने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको चलने नहीं दिया आपने कुछ भी करा तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज हो जाएगा इसमें आपको जेल भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखेगा अंडर आर्टिकल 129 जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है वो इसके अंदर आता है और हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 215 जो ये है इसके अंदर ऑफ कोर्ट आता है दो आर्टिकल हो गए जो आपको याद रखने हैं बस इससे ज्यादा कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये इस न्यूज से जो पूछा जाएगा वो मैंने यहां बता दी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसमें पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे चलते हैं और ये जो मैं आपको चीज़ें बता हूँ आप अपनी जो रेफरेंस बुक है उसमें जाके एक बार रीड किया करिए ना आप जैसे मैंने आज ये ऑफ कोर्ट बताया तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जाके अपना लक्ष्मीकांत में रीड करिए कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 148 क्या कहता है 129 क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्टी क्या कहता है ऐसी हाई कोर्ट का भी पढ़िए कि ऑरिजिनल जुडरिक्शन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का रिट जुडरिक्शन क्या होता है एडवाइजरी जुड्रिक्शन क्या होता है तो ये जाके आप सब अपना पढ़िए अच्छे से लक्ष्मीकांत में लिखा है और जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट भी आप पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगा सीधे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है जितने मैं देखिए कमेंट देखता हूँ उसमें अगर एक बच्चे का कमेंट होगा तो एक बच्चे के लिए मैं करना चाहता हूँ लेकिन इतना टाइम हो नहीं पाता कि मैं एक बच्चे के लिए कवर कर सक सपाऊँ वरना मैं एक बच्चे को भी ना छोड़ू तो अगर वहाँ मेजोरिटी ऑफ बच्चे अगर जिस चीज की बोलते हैं मैं वो पढ़ाने लगता हूँ जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पीछे आ, मेरे को इतने सारे मैसेज आ रहे थे डी एम आर थे सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए हिस्ट्री समझ में नहीं आती तो मैंने हिस्ट्री शुरू कर दी ऐसे आपको लगता है कि अगर किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं उसको शुरू कर दूंगा हिस्ट्री के बाद अभी अपनी हिस्ट्री चल रही है हिस्ट्री छूटेगी नहीं आगे चलते हैं

बहुत तरीके के एग्रीमेंट होते हैं मेनली पांच एग्रीमेंट होते हैं डब्ल्यू के अंदर उसमें से एक एग्रीमेंट ट्रिप्स है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है इसमें जो जो भी जैसे दवाइयों के ऊपर सबसे ज़्यादा बात आती है कि दवाइयों में एक बार जो पेटेंट करा लेता है उसको हर बार वही कंपनी पेटेंट कराती रहती है जिससे क्या होता है कि मान के चलिए कल को पैरासीटामॉल पहले एक आपको दवाई का नाम पता पैरासीटामॉल क्या करती कि वो अब एक ही कंपनी जो पैरासीटामॉल बनाती है और उसने अपनी दवाई को पेटेंट करा लिया तो उसने अगर अपनी दवाई को पेटेंट करा लिया तो ये दवाई तो और कोई कंपनी बना ही नहीं पाएगी तो वो जो है वो मनचाहे दाम से इसको बेच सकती है तो इसको बोलते हैं कि पेटेंट को कॉपीराइट करा ले पेटेंट करा लिया था तो इसको ख़त्म करने के लिए अब जैसे ये जो अपनी दवा जो अपनी वैक्सीन लग रही है वो ऑक्सफर्ड ने उसको पेटेंट कराया तो अब इंडिया वाले ये बोले कि अभी कंडीशन इतनी बुरी है तो आप वेवियर दे दीजिए हमें पेटेंट वेवियर दे दीजिए ऐसा बोला है तो यूएस ने हमें सपोर्ट कर दिया है कि हाँ हा, हम आपको पेटेंट वेवियर देने के लिए तैयार हैं लेकिन अभी जो यूरोपियन यूनियन है और जो ऑस्ट्रेलिया है चाइना ये सब लोग नहीं मान रहे लेकिन यूएस ऐसा बोल दिया कि हम आपको पेटेंट वेवियर दे देंगे अच्छा पेटेंट वेवियर दे देंगे ये बात तो इन्होंने सही बोली है चलो ठीक है पेटेंट वेवियर और पुराने केसेस में भी दिया जा चुका है हम बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ ड्रग एवर ग्रीनिंग ऑफ ड्रग नहीं होनी चाहिए ये नहीं होना चाहिए एवर ग्रीनिंग ऑफ ड्रग जैसे पहले क्या हुआ था कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी ड्यू टू वहाँ पे भी बहुत सारा मलेरिया वलेरिया हो गया था और वो अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है तो इंडिया ने अपनी जो एकदम जेनरिक मेडिसिन है वो अफ्रीका को दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये पहले भी हो चुका है जब भी किसी देश पे आपातकालीन ऐसी दुर्घटना या डिजास्टर आता है तो वेवियर ले लिया जाता है तो ये वेवियर की बात चल रही है जो यूएस ने हमें सपोर्ट कर दिया है तो डब्ल्यू आपको याद रखना है ट्रिप्स आपको याद रखना है इन्होंने हमें सपोर्ट तो कर दिया लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये yeah, हमें पेटेंट वेवियर दे रहे हैं ठीक है लेकिन अगर वो चाहे अपनी कंपनी जैसे ऑक्सफोर्ड है ऑक्सफोर्ड ने बोल दिया कि ऑक्सफोर्ड से तो मतलब ही नहीं है ये तो सरकार पेटेंट वेवियर देती है यूएस ने बोल दिया कि हाँ हम इंडिया को पेटेंट वेवियर दे रहे हैं लेकिन ऑक्सफोर्ड चाहे तो वो हमें अपने राज ना बताए

ज्यादा कंपनी इंडिया में तो आपको पता है इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल हब है तो सारी कंपनी क्या करेंगे कि बना बना के होल्डिंग करना शुरू कर देंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो न्यूज थी मैंने आपको पूरी बता दी क्या रिलेटेड है इस न्यूज से रिलेटेड और क्या इसके पीछे की कहानी है मैंने पूरा आपको इसमें क्लियर कर दिया आगे चलते हैं हाँ सी जी आई नॉमिनेट्स फॉर वैक्सी वैकेशन बेंचेज तो अभी क्या वैकेशन हो गया है? तो सी जी आई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चीफ जस्टिस ऑफ हमारे इंडिया जो है बोबड़े साहब थे जिनको अब हटा के जो अब रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह जो नए आए हैं एन वी रमन्ना अच्छा ये क्वेश्चन ये है कि एन वी रमन्ना जो हमारे कौन से नंबर के सी जी आई हैं हाँ ये बताएंगे कौच किस नंबर के सी जी आई हैं फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी किस नंबर के सी जी आई हैं तो एन वी रमन्ना और साहब हमारे नए सी जी आई हैं इन्होंने नॉमिनेट कर दिए चार वेकेशन बेंचेस तो याद रखेगा सी को हम मास्टर ऑफ द रोस्टर बोलते हैं सी के पास ये पावर होती है कि वो चाहे किस केस को जिस बेंच को देना चाहे या जिस केस को आ, किसी भी केस को किसी भी जज को देना चाहे ये सारी पावर सी की के पावर है पास है इसीलिए हम सीजीआई को बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजीआई चाहे तो कोई भी केस अपने पास से मंगा सकता है उसको सोल्व कर सकता है सीजीआई के पास एक और पावर यह पूछा जाता है कि सीजीआई जो है वो और बेंचेस को बना सकता है तो हाँ इसका आंसर होता है यस सी आई ट्रिक हो जाएगा सही माना जाएगा क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि नई बेंचेस बना दिए और सीजीआई के पास इतनी भी पावर है हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली जैसे आपको पता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो दिल्ली के अलावा भी मान के चले कल लो उसको सुप्रीम कोर्ट का मन होता है कि मुंबई में भी एक हमारी ब्रांच होनी चाहिए मुंबई में भी एक बेंच होनी चाहिए तो मुंबई में ही बना दीजिए तो हम मुंबई में भी सुप्रीम कोर्ट नई बेंच बना सकता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अभी दो तीन चीज़ इससे जो आ सकती है जो पूछी जा सकती है मैंने आपको बता दी सी जी आई इज़ दल ना मास्टर ऑफ द रोस्टर नई ब्रांच बना सकता है नई बेंच का गठन कर सकता है नए जज का गठन कर सकता है वो चाहे तो जिस जज को चाहे उस जज को बोल सकता है कि आप ये केस लड़िए जिस जज को चाहे उसको मना भी कर सकता है कि आप ये केस नहीं ले सकते हैं तो ये पूरी पावर जो है सी के पास है सी कौन है हमारे एन वी रमन्ना साहब हैं किस नंबर के सी जी आई हैं आज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे आगे चलते हैं एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ डीआरडीओ गेट्स इमरजेंसी यूज नोट तो अभी DRDO, जो हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक नए तरीके की दवाई बनाई है जो कि पाउडर फॉर्म में बनाई है और उस पाउडर फॉर्म को आप ओरली ले सकते हो इसका नाम बस आपको याद रखना है ड्रग का नाम डू डिटॉक्सी डी ग्लूकोज जिसे हम शॉर्ट में डू डी जी बोलते हैं टू डी जी बोल देते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज इसे डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ये इनमास एक लैब है डीआरडीओ के अंदर डीआरडीओ के अंदर ही एक लैब है जिसका नाम है इनमास, जिसने टू डी दवाई बनाई है ये एक पाउडर फॉर्म में है जो कोविड पेशेंट्स को दी जाएगी जिनको भी ऑक्सीजन की कमी है इससे उनकी जल्दी रिकवरी हो जाएगी तो बस आपको जो इस दवाई का नाम याद रखना है क्योंकि ये डीआरडीओ ने बनाई है इंडिया मेड है इंडिया के लोगों ने बनाई है मेड इन इंडिया दवाई है इसलिए बस इसका नाम याद रखना है किसने बनाई है ये याद रखना है बस और ये देखिए क्या लिखा था यूज़ ऑफ अ टू डी ऑक्सीड टू डी की जो दवाई है कोविड नाइन्टीन पेशेंट शोड अ हाई प्रपोर्शन ऑफ देम रिकॉर्डिंग फास्टर आर टी पी नेगेटिव कन्वर्जन तो जो भी लोगों को ये दवाई पर टेस्ट किया गया वो अच्छा रिकवरी दिखा रहे हैं तो ये छोटी सी न्यूज़ थी बस आपको टू डी शॉर्ट फॉर्म में याद रखेगा तो आपका काम हो जाएगा ये डीआरडी की दवाई है तो डी से डीआरडी और डी से डीजी ठीक है आगे चलते हैं रीलॉन्च एफ टी ए टॉक्स साइन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप देखिए हमारी यू EU, जो यूरोपियन यूनियन जैसे हम बोलते हैं यूरोप संघ तो यूरोप संघ कोई एक या यूरोपियन यूनियन कोई एक देश तो है नहीं जितने भी यूरोप के नेशन हैं वो सब मिलके क्लब हो जाते हैं एक जगह उसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन तो हम बहुत सालों से करीबन 2012 या 13 से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए एफ का मतलब क्या होता है याद रखिएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो उस पर हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी ना हमारा गुड्स जाएगा तो वो लोग भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे टैक्स नहीं लगाएंगे और उनका गुड्स आएगा हमारे यहाँ तो हम भी नहीं लगाएंगे इसकी एक लिस्ट बनती है कि ये ये ड्यूट ये ये आइटम्स को या या ये ये गुड्स सर्विसेज को हम फ्री ट्रेड अलाउ करते हैं तो हम 2013 से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा बीटीआईए साइन ऑन हो जाए इसको हम बोलते हैं बी टी आई ट्रेड बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये होता है बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इसके लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं दो से इसके क्या होगा या अगर ये साइन हो जाएगा तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो दो से बात चल रही थी बीच में एक धीमे पड़ गई थी डू टू कोरोना नाइनटीन कोविड नाइनटीन लेकिन अभी दोबारा बात निकली है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू करने वाले हैं चल रही हैं तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी इसमें ये हो गया और हमने क्या क्या इधर कहा है कि हमने नई बातचीत शुरू कर दी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए और डेढ़ सौ मिलियन पैसा मिल गया हमें यूरोपियन यूनियन से ताकि हम जो पुणे मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है याद रखिएगा पुणे मेट्रो जो रेल बननी हो किसके पैसों से बननी हो यूरोपियन यूनियन के पैसों से बननी है याद रखेंगे पुणे मेट्रो रेल किसके पैसे से बननी है यूरोपियन यूनियन के पैसे से बननी है और हम चाहते हैं कि इंडिया यू इंडिया और ईयू की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए इस पर भी हमने हस्ताक्षर साइन कर दिया इंडिया यू ई कनेक्टिविटी पार्टनरशिप साइंड हो गई है सैटरडे को जिससे क्या होगा कि हम डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये सब हमारा चालू हो जाएगा ये हमने क्यों बनाया है ताकि हम चाइना का जो रोल्ट बेड इनिशिएटिव है उसको हम काउंटर कर सकें हर कुछ भली हम रशिया के साथ हम अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं इसीलिए हम ई के साथ इसी के लिए दोस्ती बढ़ा रहे हैं हम यू के साथ इसी लिए दोस्ती बढ़ा रहे हैं क्यों ताकि हम किसी तरह चाइना को काउंटर कर सकें और वो बहुत ज़रूरी है अब देखिए कोरोना अब ये पता नहीं इसमें बायो हैजार्ड है बहुत मैं पता नहीं पढ़ता रहता हूँ कुछ भी <laughs> तो उसमें कई आर्टिकल मैंने ऐसा पढ़ा तो वहाँ लिखा था कि चाइना ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी दो से प्लानिंग कर रखी थी ये एक बायो हैजार्ड है तो ऐसी न्यूज़ थी तो मैं भी पढ़ रहा था <laughs> तो ये पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है इसमें हम कमेंट नहीं कर सकते जो न्यूज थी मैंने आपको बता दी आगे चलते हैं इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा जितना मैंने बताया उतना ही पढ़िएगा एक बार बस आप जाके यू में ये देख लीजिएगा कौन कौन से देशन शामिल हैं ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में ब्रिटेन ई यू का पार्ट है या नहीं ब्रिटेन ई यू का पार्ट है या नहीं ठीक है आगे चलते हैं ऑल ऑन बोर्ड सेफ आफ्टर फायर ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमारा सबसे एयरक्राफ्ट कैरियर है आई एन एस विक्रमादित्य तो इसमें भी रिसेंटली आग लग गई थी तो अभी जो वहाँ के जो कमांडर ऑफिसर था उससे पूछा गया कि कोई हाथा हाथ नहीं है कुछ नहीं है तो उन्होंने नेवी वालों ने एकदम क्लियर जवाब दिया कि वो जो भी लगा था उसको हमने संभाल लिया इसमें किसी का कोई डैमेज नहीं हुआ है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो याद रखेगा जो आई एन एस विक्रमादित्य ये कहाँ से ली गई है मेड इन इंडिया कैरियर नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है ये हमने रशिया से लिया याद रखेगा जो हमारा आई देते हैं। हमने रशिया से इंपोर्ट किया था ये कीव क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर है याद रखेगा के के या जो आजकल जो हमारी स्टील जो कैरियर्स आ रहे हैं या आजकल जो हमारी शिप्स आ रही हैं वो एस क्लास आ रही हैं याद रखिए जो अब नई जो डिजाइन हो रही है वो एस क्लास पे हो रही है लेकिन ये जो हमने आई एन एस विक्रमादित्य लिए ये कीव क्लास की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हमने दो हजार तेरह में रशिया से इंपोर्ट किया था और ये रशिया ने भी बहुत चलाया रशिया ने भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सोवियत यूनियन के टाइम पे बहुत यूज़ कराया फिर उन्होंने इसको बेचना चाहा क्यों इतने उसको डी कमीशन कर रहे थे तो डी कमीशन के वक्त भी इसकी इतनी प्राइस थी कि कोई और कंट्री इसको लेने के लिए तैयार नहीं थी तो इंडिया ने इसको ले लिया इंडिया के लिए बहुत सही था एंड रशियन नेवी बिफोर बीइंग डी कमीशन इन 1996 जब रशिया की नेवी ने 1996 में उसको डी कमीशन किया इट बीइंग टू एक्सपेंसिव टू ऑपरेट तब भी ये बहुत एक्सपेंसिव है इसको आज के टाइम में भी चलाना कई करोड़ रुपया इस पर लगता है पर डे का खर्चा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए तो आपके लिए बस ये की क्लास इंपॉर्टेंट है कहाँ से लिया गया ये पूछा जा सकता है रशिया से लिया गया बस जो आजकल बननी है जो हमने बनाई है आजकल वो क्या कहते हैं किस क्लास की है वो एस क्लास में है ये कौन सी क्लास की है के क्लास की ठीक है आगे चलते हैं रटना ही पड़ेगा यार इसमें डिटेल नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको डिटेल समझा भी दूं तो आपके किसी काम की नहीं कहीं पूछी नहीं जाएगी ठीक है आगे चलते हैं प्रोब इनटू डिगिंग कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंटी इन काजीरंगा तो अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी तो उसके लिए सरकार ने जो वहां की एनवायरमेंटल अप्रोजल कमेटी थी उन्होंने सीधे सीधे कंप्लेंट कर दी कोर्ट में कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है भाई आप देख लीजिए तो अपने के लिए काम इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले कहाँ पर है आसाम में ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वन हॉन्ड वन हॉन्ड राइनो के लिए इंपॉर्टेंट है वन ऑन ड्राइनो ऐसा नहीं है कि इस पर केवल वन ऑन ड्राइनो पाया जाता है इसमें जो है वो एलिफेंट भी पाए जाते हैं एलिफेंट लोग बस ये सोचते हैं कि यहाँ वन एंड ड्राइनो पाया जाएगा भाई नेशनल पार्क है यहाँ एलिफेंट भी मिलेगा यहाँ टाइगर भी मिलते हैं यहाँ डियर भी मिलते हैं तो याद रखेंगे ये सब चीज यहाँ पे मिलती हैं ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बच्चों को ये भी नहीं पता होता यार ये कंफ्यूज कर देता है वो वहां जाके बच्चे सोचते हैं क्या पूछ लिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है और ये बर्ड साइट भी है बर्ड भी आती हैं तो एक ये बर्ड साइट भी है ठीक है जो भी इससे सवाल बन सकते हैं वो मैंने बता दिया हाँ एक सवाल इससे ये बनता है कि कौन सी रिवर पास होती है उसके लिए मैंने देखिए फोटो लगाया तो ब्रह्मपुत्र रिवर मोटी मोटी मतलब अगर वो अगर एकदम आपके क्वेश्चन को इजी बनाना चाह रहा है हर कोई बता देगा ब्रह्मपुत्र रिवर लेकिन अगर वो इस क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो एग्जैक्टर रिवर का नाम पूछेगा तो आंसर होगा दीफलू रिवर दीपलू रिवर इसके पास से निकलती है तो याद रखेगा ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसका आंसर हो सकता है दीफलू रिवर भी हो सकता है अगर धीफलू रिवर ऑप्शन में है तो धीपलू उसका आंसर होगा और अगर धीपलू रिवर नहीं है तो आ, क्या कहते हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ऑप्शन में दी होगी उसको आपको टिक करना है ठीक है आगे चलते हैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा वन ऑन ड्राइनो को आप थोड़ा पढ़ सकते हैं काजीरंगा को सर्च कर सकते हैं वैसे पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है सिम्पति और शेफ शैंडो फ्राउंडे मुझे नहीं पता इसे प्रेन कैसे करते हैं चाइना सोशल मीडिया डिबेट्स इंडिया कोविड क्राइसिस तो अब मैं क्या ही बोलूँ मैं बोलना नहीं चाहता ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं यहाँ की एक मीडिया ने क्या बोला कि अभी रिसेंटली क्या करा है कि चाइना ने अपना एक रॉकेट लॉन्च करा है एज अ टेस्टिंग ताकि वो ऊपर uh, क्या कहते हैं अपना स्टेशन बना सके तो उसके लिए एक लॉन्च करके देख रही थी तो यहाँ पे वहाँ की जो मीडिया उसने क्या लिखा है चाइना लाइटिंग अ फायर इंडिया फाइटिंग लाइटिंग अ फायर मतलब जो हमारे यहाँ ब्यूरियल जो हमारी डेड बॉडी जल रही हैं उसकी फोटो उन्होंने एक साइड लगाई एक साइड तो उन्होंने लगाई जिसमें हमारे यहाँ डेड बॉडी जलती है शमशान में उसकी फ़ोटो लगा दी एक साइड में अपने रॉकेट की फोटो लगा दी और बोला कि चाइना लाइटिंग फायर इंडिया लाइटिंग फायर मतलब दोनों लाइट कर रहे हैं हम ऐसे फायर कर रहे हैं या ऐसे फायर कर रहे हैं तो इसकी इनकी खुद की मीडिया ने भी इनकी धज्जियाँ उड़ा दी जिसने पब्लिश करी थी और इंडिया तो इसको अच्छे से काउंटर कर ही रहा है लेकिन ये बहुत गलत बात है ये जो ऐसे लोग कर रहे हैं मैं ऐसा नहीं है मैं ये न्यूज़ को इंक्लूड करिए आप लोग ये सोचेंगे एग्ज़ाम में कैसे इंपॉर्टेंट होती है तो न्यूज एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है फालतू न्यूज़ है लेकिन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसी कैसी हरकत होती है प्लस इसलिए भी मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है इस वर्ड के लिए मैंने इस न्यूज़ को शामिल करा जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ऐसा नहीं है कि केवल इसी की कर रहे होंगे किसी और की भी करेंगे तो ये वर्ड कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं और पूछा जा सकता है इस वर्ड का मीनिंग सिंपत्ति जो सबको पता है सिंपति दिखाना हम कोई भी रोता है उसको हम सिम्पत्ति दिखाते हैं इस वर्ड का मीनिंग होता है प्लेजर डराइव्ड बाय समवन फ्रॉम अनदर पर्सन मिसफॉर्च्यून मतलब किसी के कष्ट को देख के अगर आपको खुशी मिलती है उसको बोलते हैं ये शेचन फ्रेंड पता नहीं है यार प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि प्लेजर डराइव्ड बाई समन फ्राम अनदर पर्सन मिस किसी के दुख दर्द से एक अच्छा महसूस होना अंदर से इस वर्ड का मतलब यही होता है तो आप इस वर्ड को रट लीजिए या कैसे भी कर लीजिए यार ये लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छा है किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसी के भी भाई मिस को आप मजाक उड़ा रहे हो ठीक है तो ये न्यूज़ थी जो मैंने बता दी आगे चलते हैं द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लास तो ये जो पूरा एडिटोरियल था ये रिलेटेड था जो मराठा रिजर्वेशन को मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट तो क्या बोला है इसमें पूरे में क्या चीज़ लिखी गई है थ्री टू का जजमेंट था जिससे मना कर दिया गया था कि मराठा का जो रिजर्वेशन है वो हम नहीं देंगे किसको नहीं देंगे ए की लिस्ट तो अभी जो बात हो रही है वो सिंपल ये है कि ए क्या होता है ए जो होती हैं वो सोशली एंड एजुकेटली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास होती हैं इसका क्लासिफिकेशन जो करता है वो सेंटर गवर्नमेंट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंटर क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलेगी और वही करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो यही था कि इस लिस्ट में स्टेट का कोई रोल नहीं होगा सीधे जो रोल होगा वो सेंटर का होगा सबसे इंपॉर्टेंट बात पहला सवाल तो ये हो गया दूसरा इन्होंने ये बोला था कि 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन हम दे नहीं सकते क्यों क्योंकि इंदिरा सानी का जजमेंट है ठीक है एक चीज आपको याद रखनी है तीसरा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ लिखा है अमेंडमेंट सौ इससे क्या घटन हुआ था हमारा एनसीबीसी गठन घटन हुआ था याद रखेगा का जो हुआ है, वो हमारा पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था बैकवर्ड क्लास जो नेशनल का वो वन जीरो से एड हुआ है इसके बाद इसको किस आर्टिकल में रखा गया तो आर्टिकल थ्री ए में रखा गया है जो हमारे एस और एनसी एस

ये दोनों आर्टिकल आप जाके अपने लक्ष्मीकांत में पढ़िएगा दोनों आर्टिकल मैंने उस दिन भी बोला था कि आप जाके प्लीज आर्टिकल 14 से लेके और जो आर्टिकल 21 है इस तक के तो सारे पढ़ जाइए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल प्लीज फंडामेंटल राइट जाके जरूर पढ़िएगा एक सवाल इस बार आना पक्का है आप गारंटी ले रहा हूं मैं इस न्यूज को मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं आपके लिए इतनी टेक्निकलिटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आप मोटा मोटा उस फंडामेंटल राइट पढ़िएगा ठीक है आगे चलते हैं एफ सी आर ए क्रिपलिंग आर वर्क तो बस एफ सी आर ए के फुल फॉर्म याद रखना है तो एफ सी आर के फुल फॉर्म है फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तो ये क्या होता है कि जितनी हमारी एन जी ओ हैं जितनी हमारी संस्थाएं जो नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं एन जी ओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये क्या करती है कि एन जी ओ को बहुत सारा जो फंड आता है बहुत सारा जो पैसा आता है वो बाहर विदेशों से भी आता है फॉरन से भी आता है तो सरकार ने पिछले साल ये करा था अमेंडमेंट करा था एफ सी आर एक्ट में एफ सी आर ए किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो याद रखेगा एम एच ए के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है एफ सी आर आ तो इसमें ये बोला गया था कि जो भी एन बाहर से पैसा मंगाता है उसको अपना बैंक अकाउंट एस में खोलना होगा दिल्ली की ब्रांच में दिल्ली की उनकी एक कोई ब्रांच उन्होंने अलॉट करी थी उसी ब्रांच में एस में ही सारी एन को अपना अपना खाता खोलना होगा और जितना भी फंड आएगा फॉरेन से वो इसी खाते के थ्रू आना चाहिए नहीं तो उस अगर किसी और खाते में आता है तो उसको हम इलीगल मान लेंगे और इसका रिविजन जो होगा हर पाँच साल में इसका रिवीज़न करना पड़ेगा हर पाँच साल में आपको जाके दोबारा वहाँ अच्छे से रजिस्टर करना पड़ेगा तो अभी जो हमारा इतना बुरा में चल रहा है आपको पता है कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो जितनी एनजीओ हैं वो सब यही बोल रही हैं कि हम बैंक में नहीं जा पा रहे हैं या बहुत दूर दूर की जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर के एनजीओ हैं वो नहीं जा पा रहे हैं बैंकों में तो उनका सारा काम रुक गया तो उनको हेल्प कर दीजिए थोड़े दिन के लिए अकाउंट की जो डेडलाइन है उसको रोक दीजिए ताकि वो इस एनजी जितने भी हैं वो कोविड नाइन्टीन में और लोगों की रक्षा कर सकें तो ये याद रखेगा एफ सी आर जो एम एच ए के अंदर आती है जो पूरी गाइडलाइन मैंने आपको बता दी इसमें पच्चीस हज़ार की लिमिट रखी गई है कि पच्चीस हजार से कम तक है तो कोई गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर पच्चीस हजार से ज्यादा पैसा अगर बाहर से आता है तो आपको बैंक अकाउंट में रजिस्टर होना पड़ेगा और विद इन अड़तालीस घंटे आपको बताना भी पड़ेगा सरकार को कि हमारे पास इतना लाख इतना करोड़ इतना डॉलर इतने पाउंड इतने स्टर्लिंग हमारे पास पैसा आया है तो ये सिंपल गाइडलाइन है गवर्नमेंट की ठीक है आगे चलते हैं ग्रीन पैनल अलाउ ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस तो अभी ग्रीन पैनल ने अलाउ कर दिया है ग्रेट निकोबार के प्लान को क्या कि वहाँ अच्छे से एकदम बढ़िया बढ़िया सीनरी बनाइए यहाँ ये करिए यहाँ वो करिए अब भाई देखिए अपने यहाँ क्या देखा गया है कि पहले जो अच्छी जगह होती है ना उसको बेकार कर देते हैं फिर कोई और अच्छी जगह ढूंढते हैं कि उसको किसी तरह कैसे बेकार कर सकें तो अब ये बात चल रही है कि इसको हम ग्रीन पैनल अलाउ कर दिया ग्रेड निकोबार प्लान टू एडवांस तो निकोबार प्लान है कि यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि यहाँ हम अच्छी अच्छी लाइफ हम एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है एज़ अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ईआई ई आई ए रखना है कभी भी इस वर्ड का यूज आप कहीं भी एनवायरमेंट के आर्टिकल में कर सकते हैं ई आई ए का यूज ई आई ए क्या होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सबसे पहले हम जैसे मान के चलिए आज की तारीख में तो अगर आप लैंड खरीदते हैं और लैंड पे अगर आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनानी है प्लांट लगाना तो सबसे पहले आपको ई आई ए क्लियरेंस लेना पड़ेगा ई आई ए की आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि जो आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं या जो आप भी काम धंधा करना चाह रहे हैं उससे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो यही बात चल रही है कि इस प्रोजेक्ट का एक अच्छा से

मरीन नेशनल पार्क है शायद नेस्टिंग बे ये कहाँ पर है ग्रेट निकोबार आइलैंड में तो इससे हमारा ऑलरेडी ग्रे इस डायग्राम से सवाल पूछा जा चुका है इसलिए मैंने फिर से बता दिया है ग्रेट अंडमान जो तीन पार्ट में नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान उसके बीच में डंकन पैसेज जा रहा है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में ये भी पूछा जाता है डंकन पैसेज किस किस के बीच में तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के नीच में फिर लिटिल अंडमान और ये पूरा निकोबार के बीच में क्या है टेंथ चैनल है और सबसे नीचे क्या है इंदिरा पॉइंट है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका बड़ा रूप इसका बड़ा रूप ये है कि देखिए हमारा नॉर्थ अंडमान है ये हमारा मिडिल अंडमान है हमारा फिर साउथ अंडमान और लिटिल लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, फिर में हमारा ग्रेट निकोबार है यहाँ किसकी बात चल रही है यहाँ बात है ग्रेट निकोबार की तो ग्रेट निकोबार कौन सा ये ग्रेट निकोबार जो सबसे नीचे यहाँ पे ही गैलेथिया बे है याद रखेगा यहीं है ग्रेट निकोबार में ठीक है आपको जो इसमें याद रखना है तो टेन डिग्री चैनल याद रखना है एक है डंकन पैसेज याद रखना है, और ये नारकोंडम और ये दो आइलैंड कौन सा एक्सटेंट है एक्सटेंट मतलब खत्म हो गया डॉरमेंट मतलब आज की डेट में भी ये है कि लोकेशन है देख लीजिए ये जो चीज फिर लक्षद्वीप और इधर पूछ सकता है कि नाइन चैनल किस किस के बीच में है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में एट्थ चैनल किस किस के बीच में तो मेंय और मालदीव के बीच में तो इस वीडियो को पॉज कीजिएगा अच्छे से अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है फिर से पूछा जाएगा जा चुका है और जाएगा दोबारा ये और ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए इस अच्छे से डायग्राम को आपके दो नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं किसी भी एग्जाम में ठीक है आगे चलते हैं हक्की पिक्की ट्राइबल विन अ बैटल तो इसमें एक आदमी को इस ट्राइब्स में कोविड हो गया था उसने विन कर लिया बैटल अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सही हक्की पिक्की ट्राइब कहाँ की है तो याद रखिएगा कर्नाटक की है बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है हक्की पिक्की ट्राइब कहाँ की है तो कर्नाटक की है बस इससे ज़्यादा याद मत कीजिएगा ठीक है आगे चलते हैं चाइना रॉकेट डेबरीज फॉल्स इन इंडिया ओशन नियर मालडीस तो मैं इसी न्यूज की बात कर रहा था कि चाइना अपने रॉकेट भेजा अच्छा इसका नाम ही बताइएगा लिखा ही हुआ है यार चाइना लॉन्ग मार्च तो ये स्पेस स्टेशन के लिए एक ट्रे, मतलब ट्रायल करके देख रहे थे कि वहां जाएगा नहीं तो ये आपको पता है चाइना का दो नंबर का तो माल होता है ब्लास्ट हो गया और जितनी डेबरीज थी जो उसका मलवा था वो इंडियन ओशन में जाके गिर गया मालडीवस में तो नासा जो है उसने स्लैम कर दिया उसको खूह हड़काया बीजिंग को फॉर फेलिंग टू मीट रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई पता नहीं इन्होंने कैसे जो पहले क्या होता है अगर आपने नॉर्मली अगर आपने स्पेस एक्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने स्पेस एक्स देख स्पेस एक्स आप जानते हैं ना जो यू में जो, आ, जो मिशन भेजता है तो स्पेस एक्स का आप अगर देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो तो उनकी एक बार क्या हुआ एक बार उनका रॉकेट फेल हो गया था उनका रॉकेट फेल हुआ है किसी के भी और कंट्री का रॉकेट फेल होता है तो वो इस तरह से उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो डिबरीज जो है वो ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाएँ नीचे तक आ ही ना पाए लेकिन इधर क्या हुआ इन्होंने पता नहीं क्या करा कि सारा जो मलवा था वो इंडियन ओशन और मालदीवस के एरिया में जाके गिर गया वो तो यहाँ किसी के हताहत होने की खराब लिखा हुआ भी है हताहत होने की कोई दिक्कत नहीं पाती है लेकिन नासा ने अच्छे से झाड़ा इन लोगों को अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो ना जो चाइना का जो स्पेस मिशन है उसका नाम क्या है लॉन्ग मार्च इसी का ट्रायल चल रहा था ये लोग सब दुनिया कोविड से प्रभावित है और ये लोग अपने मजे में लगे हुए तो हैं तो इस योजना इसका नाम याद रखना है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण गरीब कल्याण अन्न योजना इसमें फ्री फूड दिया जाएगा फ्री फूड दिया जाएगा जो जा स्टेट हैव बी स्टार्टेड कम से कम पांच किलो राइस फ्री मिलेगा इन स्टेटों को दिया है ये पायलट बेसिस पे पहले शुरू हुआ था अब जिन जिन स्टेटों को भी दिक्कत हो रही है उस स्टेटों को ये दे रहे हैं तो बस आपके इसको फुल फॉर्म याद रखनी है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं इसका मेन काम जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है अन्न योजना अन्न का प्रोवाइड करनी है फ्री में अन्न देंगे सबको तो ये अन्न योजना है ठीक है इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं केसेस राइजेस इन 15 स्टेट पॉजिटिविटी रेटेड ट्वेंटी परसेंट तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आई चीफ ने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा आरएटी करो आर करो तो आर का मतलब रेड चूहा नहीं होता है आर का मतलब है रैपिड एंटीजन टेस्ट याद रखिएगा रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड नाइन्टीन के लिए हमारे यहाँ इंडिया में दो तरीके के टेस्ट होते हैं एक तो आर होता है एक आर टी पी होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये आर टी पी होता है इसमें जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम एक दिन बाद आती है 24 घंटे बाद आती है लेकिन ये अच्छा माना गया है इसकी जो क्षमता है चेक करने की वो अच्छी मानी गई है लेकिन जो आर है उसका जो रिज़ल्ट है वो एक घंटे के अंदर आ जाता है और इसकी जो क्षमता है वो भी ठीक ठाक मानी गई है इतनी बुरी नहीं है तो आई चीफ ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आर करिए ताकि हम पता कर सकें कितने लोगों को कोरोना है कितने लोगों को कोरोना नहीं है ठीक है इससे ज़्यादा और इसमें तो डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखनी है इतने लोगों को हुआ है इतने लोगों को नहीं हुआ अपने काम की नहीं है अपने काम का आर आई टी आर टी पी सी आते हुए मैंने बता दिया ठीक है आगे चलते हैं हाउ टू अडॉप्ट अ चाइल्ड निकली तो अभी क्या हो रहा है भाई जब भी कुछ होता है कालाबाजारी कालाबाजारी शुरू हो जाती है मतलब बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे तो अभी क्या है कि जैसे क्या हुआ है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मर गए ड्यू टू कोरोना नाइन्टीन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे गधे लोग इतने मुँह से मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं तो मैं बोल सकता कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे को चुपचाप किसी को भी दे दे रहे हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन के उस बच्चों को बेच दे रहे हैं मतलब किसी कोई बच्चा है उसके माँ बाप मर गए ड्यू टू कोविड नाइन्टीन तो कोई आ रहा है उसको बच्चे को ले रहा है और किसी को बेच दे रहा है तो ये दिल्ली पुलिस का भी अच्छे से एडवर्टीजमेंट आया कोविड पेंडेमिक हैज मेड मनी चिल्ड्रन ऑरफन सम फ्रॉड्स आर ट्राइंग टू यूज़ फॉर ट्रैफिकिंग पर्पजेज तो बहुत फ्रॉड ऐसा चल रहा है फिर जैसे ये एक दिन पहले ये दिल्ली पुलिस का ये एड uh, आया उसी के दूसरे दिन ये एडिटोरियल आ गया हाउ टू अडोप्ट अ चाइल्ड लीगली देखिए अगर किसी को भी चाइल्ड लीगली लेना है तो उसके दो तीन प्रोसीजर हैं सबसे पहले आपको जो है एक तो जो इंडिया में प्रोटेक्ट चलता है वो है ये कारा अगर किसी को कोई भी बच्चा लेना है तो कारा के थ्रू लेना पड़ेगा कारा का मतलब क्या है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आता है अगर किसी भी बच्चे को लेना है तो कारा से परमिशन लेनी पड़ेगी जब कारा उसको क्लियर कर देगी तभी आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो भले इंडिया के बाहर ले जाना हो भले इंडिया में अडॉप्ट करना हो तो ये कारा आपको याद रखना है कारा का ये आपसे पूछा जा सकता है तो कारा किस रिलेटेड है चाइल्ड अडोप्शन से रिलेटेड है बस इतना ही वो पूछेगा कारा किससे रिलेटेड है तो चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है एक और जो एक्ट आता है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बच्चों पे लगता है आपने सुना होगा ना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अगर बच्चों के ऊपर कोई भी उत्पीड़न करेगा तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत तो उसको सजा भी हो जाती है तो ये दो तीन एक्ट हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दो का कारा का जो है वो सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है जो अलाउ करती है किसी भी बच्चे का अडोप्शन करने के लिए वाली देश के अंदर वाली जेस से बाहर एक किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो मैंने बता दिया और आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है ठीक है जितना मैंने बताया बस उतना ही याद कीजिएगा और डिटेल में मत जाइएगा आगे चलते हैं ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चालू हो गया न्यूज़ सारी कवर हो गई एक्चुअली बच्चे सोच रहे हैं कि न्यूज़ है आप सर इतने दिन में क्यों बना रहे हो तो प्लीज़ समझिएगा आप कोविड नाइन्टीन चल रहा है तो न्यूज़ नहीं आ रही है ये भी न्यूज़ चार पांच दिन की इकट्ठी हो गई थी और इसमें से भी मतलब मेरे को ढूंढ के क्या आपको इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो बताने में तो इतना टाइम लग जाता है ठीक है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे हम सब पढ़ चुके थे हमने आईएनसी की शुरुआत कर दी थी कि आईएनसी 1885 एट्टी में उसका गठन हो गया था आईएनसी में पहला ग्रुप बना जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट्स मैंने मैं उस दिन मॉडरेट्स पढ़ा दिया था लेकिन आज ये मेरे को इसकी डिमांड्स मॉडरेट्स की पढ़ानी थी इसलिए मैंने मॉडरेट्स आज फिर से पढ़ा देता हूं तो मॉडरेट्स जो थे मतलब आईएनसी जो है पहले मॉडरेट्स होता था फिर एक्सट्रीमिस्ट होता था तो ये दो पार्ट में भट गई थी कांग्रेस मॉडरेट्स मतलब नरम दल एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल मॉडरेट नाम से समझ में आ रहा है मॉडरेट लोग थे एक्सट्रीमिस्ट मतलब भड़काऊ लोग थे एकदम उग्रवादी लोग थे उग्रवादी गलत कहगा वर्ड यूज करना उग्रवादी इन द अच्छे सेंस यूज करना चाह रहा हूँ वो बिलीव करते थे कि इंडिया जो है वो इतना अच्छा देश है इंडिया जो है उसमें इतने लोग हैं उसकी इतनी अच्छी कैपेसिटी है वो बिलीव करते थे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो इंडिया के लोगों में बिलीव करते थे इंडिया की जो इतनी जनसंख्या उसमें वो लोग बिलीव करते थे वो चाहते थे कि हम तो इस चीज़ को छीन सकते हैं अपनी आज़ादी को हम छीन ही सकते हैं भाई इतनी बड़ी जनसंख्या है गिने चुने अंग्रेज थे तो उनको भगा ही सकते थे लेकिन मॉडरेट वाले थे वो ऐसा नहीं चाहते थे मॉडरे मॉडरेट वाले जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे वो थ्री पीस में बिलीव करते थे पिटीशन देनी है प्रेयर करनी है अंग्रेजों के सामने प्रेयर करनी है फिर प्रोपोगंडा करना है ये इसमें बिलीव करते थे मॉडरेट डिड नॉट हैव फेथ ऑन कैपेसिटी ऑफ मासेस इनको बिलीव नहीं था जनसंख्या जो इंडिया की पॉपुलेशन है उस पर बिलीव नहीं था मॉडरेट्स लोगों दे वॉन्ट ब्रिटिश रूल अंडल इंडियन लर्न सेल्फ गवर्नेंस ये चाहते थे कि ब्रिटिश का रूल जब तक रहे जब तक इंडिया सेल्फ गवर्नेंस ना सीख जाए तो मॉडरेट लोग ये चाहते थे फिर इनकी मॉडरेट्स की कुछ डिमांड थी ऐसा नहीं है कि मॉडरेट्स बिल्कुल ही गलत थे इनकी बहुत अच्छी अच्छी डिमांड थी ये लोग भी अच्छे लोग थे इनकी क्या क्या डिमांड थी तो पहले इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड थी कि इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए अपने आप ये गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं इन जो इंडियन काउंसिल के एक्ट आए थे तो उनको खत्म कर दीजिए अबॉल्यूशन कर दीजिए इंडियन काउंसिल एक्ट का इलेक्शन कराइए लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन कराइए दो इंडियन जो है वॉइस वो रोए के एग्जीक्यूटिव का आपने पता है ना वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉइस रोए ये मैं आपको बढ़ा चुका हूँ ये बच्चे को जिसको नहीं समझ में आ रहा है वॉइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहाँ से आए ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ एटीन फिफ्टी एट के एक्ट में जो बनाए वॉइस रोय जो बना है जो बच्चों को लगता है कि ये सर यहाँ आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है और ये सब क्या है तो वो जाके अच्छे से प्रीवियस लेक्चर देख सकता है ठीक है और बजट डिस्कस कर सकें और वोट कर सकें इसकी हमें पावर दे दीजिए तो ये कुछ कुछ डिमांड थी ऐसा हुआ नहीं था ये केवल मॉडरेट्स लोगों की डिमांड थी अंग्रेजों से कि हमें ये ये कुछ कुछ चीज़ें हमारी पूरी कर दीजिए तो ये कुछ कुछ डिमांड में थी, ठीक है फिर उनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड भी थी मॉडरेट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड क्या थी कि इंडिजनाइजेशन ऑफ सर्विसेज कि जितनी सर्विसेज थी जो अंग्रेज ऑफर करते थे उसमें इंडिया के लोगों को भर्ती नहीं करते थे एक आधा जो सर्विस उसमें भर्ती करते थे सारी सर्विस में भर्ती नहीं करते थे तो इनकी डिमांड थी इंडिजनाइजेशन होना चाहिए सर्विसेज का फिर इंक्रीज एज ऑफ आई सी एस ये चाहते थे जो इंडियन सिविल सर्वेंट की जो एज लिमिट है इन्होंने उन्नीस साल कर दी थी आपको पता उन्नीस साल कर दी थी उसको बढ़ा दीजिए इनकी डिमांड ये थी फिर साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कराइए साइमल्टेनियस एग्ज़ाम क्या ये लोग क्या करते थे जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम है ये अपने इंग्लैंड में ही कराते थे तो भाई इंडिया में लोग रहते हैं अब कोई लोग तो वजह से आज भी देखिए आप आई जो है वो एक गरीब तबके का इंसान बन जाता है जो गरीब से गरीब है जो रिक्शा चलाता है वो और जो कुछ नहीं है जो जिसमें पढ़ने की लगन है वो बन जाता है तो भाई ऐसा थोड़ी अगर ये होता कि आई का आपको एग्ज़ाम देने के लिए अब इंग्लैंड जाना पड़ेगा भाई यहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो इंग्लैंड जाके एग्ज़ाम कैसे देगा तो ये बात हो रही थी कि साइमल्टेनियस एग्ज़ाम कराइए कभी आप इंग्लैंड में करा लीजिए तो आप कभी आप इंडिया में भी करा लीजिए इसकी डिमांड हो रही थी तो इस ये फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार लगाया इससे सवाल कई बार पूछा है कई बार

हंटर कमेटी किससे रिलेटेड आज कम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये, ये भी बहुत बार पूछी जाती है हंटर कमेटी वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही आगे हंटर कमेटी किससे रिलेटेड ठीक है तो ये दो डिमांड हो गई एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड और कौन सी डिमांड थी मिलिट्री डिमांड मिलिट्री डिमांड थी कुछ कि रिडक्शन करिए डिफेंस एक्सपेंडिचर में भाई अंग्रेज ऐसे क्या करते थे कि सारा पैसा जो है इंडिया का वो डिफेंस में लगाते थे डिफेंस में क्यों क्योंकि अगर इंडिया के लोग हमला करना चाहें तो हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार होंगे हम इंडिया के लोगों को ही मार देंगे या भारत से कोई यात्रा हम पे हाथ हाथ पे न चला पाया उस समय आपको पता वर्ल्ड वॉर वन की भी टेंशन हो रही थी तो इंडिया ये अंग्रेज क्या करते थे ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है डिफेंस पे लगाते थे तो भाई मॉडरेट बोले कि आप रिडक्शन करिए पैसों का अपॉइंटमेंट करिए इंडियंस का फॉर हायर रैंक तो ये लोग क्या करते थे कि इंडिया के लोगों को जो सेना में भर्ती होते थे जो मिलिट्री में भर्ती होते थे उनको हायर पोस्ट पर जाने ही नहीं देते थे लोअर पोस्ट पे रखते थे तो इनकी डिमांड थी जो इंडिया के लोग हैं इंडियंस हैं उनको भी हायर पोस्ट पे आप प्रमोट करिए तो ये कुछ इनकी मिलिट्री डिमांड थी फिर इनके कुछ इकोनॉमिक डिमांड थी इकोनॉमिक डिमांड क्या थी कि ये इकोनॉमिक क्रिटिक थे कोलोनिज्म के ये जितने लोग थे वो अच्छे एक तो आपको पता है मॉडरेट्स हो या एक्सट्रीमिस्ट हो सब पढ़े लिखे लोग थे आज की तरह नहीं है नेता कि भाई ना पढ़े ना लिखे और बन गए नेता पुराने आप देखेंगे ना अपने जितने अच्छे नेता हैं जो भी हैं एक कोई बैरिस्टर है कोई डॉक्टर है कोई टीचर है एकदम पढ़े लिखे लोग हैं इतनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं आप आज भी उन किताबों को अगर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतनी अच्छे है, तो मतलब आज के लोग नहीं है इतने अच्छे पुराने लोग थे उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं इकोनॉमिक क्रिटिक थे कलोनिज्म के खिलाफ थे ड्रेन थ्योरी में बिलीव करते थे ड्रेन थ्योरी किसकी है दादा भाई नारोजी की ड्रेन थ्योरी याद रखेगा ये कभी कोई पूछ लेता है ड्रेन थ्योरी किससे रिलेटेड है तो दादा भाई नारोजी की ड्रेन थ्योरी है फिर लैंड रेवन्यू हैट मिजरेबल द लाइफ ऑफ पीपल लैंड रेवेन्यू को आप खत्म कर दीजिए इसने लोगों की जीना हराम कर दिया इन्होंने ये बोला था सिंपल तो ये कुछ डिमांड थी जो मॉडरेट्स ने करी थी किससे अंग्रेज से अंग्रेजों से ठीक है तो आपकी कभी कभी एग्जाम में ये डिमांड पूछ ली जाती हैं कुछ मॉडरेट्स क्या थे डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की ठीक है तो ये हमारा पूरा मॉडरेट्स कंप्लीट हो गया इसके बाद हमारा आएगा एक एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट में पढ़ा देता हूँ इसके बाद डिमांड आएंगे एक एक्सट्रीमिस्ट की ठीक है अच्छा पीरियड भी याद रखिएगा देखिए इनका पीरियड है उन्नीस से उन्नीस इनका पीरियड क्या है अठारह सौ एट्टीन एट्टी फाइव में आपका आई का गठन हुआ है और 1905 तक 1905 क्यों 1905 के बाद ये लोग 1905 1905 तक तो आईएनसी बराबर थी 1905 में ही मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे और 1918 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिट जो है वो दोबारा मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग हो गए थे तो मिलेंगे नहीं फिर से मिलेंगे ये लोग तो एक्सट्रीमिस्ट किस में बिलीव करते थे ये बिलीव करते थे इन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अपोजिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपोजिट है उसको हम बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस मॉडरेट वाले थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे एक्सट्रीमिस्ट वाले पैसिव रेजिस्टेंस जो अंग्रेज बोलेंगे हम उनके खिलाफ काम करेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट के ये पैसिव रेजिस्टेंस किसका अपोजिट है कॉन्स्टिट्यूशन का अपोजिट है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट में जो तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हैं लाल बाल पाल आपने ऐसी याद करा होगा मेरे को पता है सब बच्चे ऐसी याद करते हैं हम भी ऐसी याद करते हैं लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीन लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट के प्रमुख नेता हैं और भी हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तिलक है इनसे बहुत ज्यादा सवाल होते हैं तिलक से तिलक जो है उनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में ये जाति से चित्पन ब्राह्मण थे इन्होंने अपना पूना बेस बनाया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट के चार पॉइंट है इनकी जो दो बुक हैं मराठा और केसरी मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखी गई है याद रखियेगा मराठा जो बुक है वो इंग्लिश में लिखी गई है और केसरी केसरी जो बुक है वो मराठी में लिखी गई है तो देखिए अपोजिट है एकदम मराठा बुक इंग्लिश में लिखी गई है केसरी बुक मराठा में, मराठी में लिखी गई है तो ये दो इन्होंने बुक लिखी है इन्होंने ही ये दो फेस्टिवल को शुरू किया है गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं से अभी मैं प्रेजेंटली मुंबई में रह रहा हूं तो यहाँ बहुत धूमधाम से गणपति शिवाजी इतना तो मतलब जो दिवाली होली इतने अच्छे से नहीं मनाते लेकिन हम उतने अच्छे से गणपति पूजा और शिवाजी ये हम उतनी अच्छे से मनाते हैं तो गणपति जी का जो फेस्टिवल है वो 1893 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने शुरू किया था और शिवाजी जो फेस्टिवल है जो शिवाजी का भी जो पूजा होती है 1895 में इसमें बहुत ज़्यादा रैली निकलती है भयंकर मज़ा आ जाता है भाई 1895 में ये भी किने बाल गंगाधर तिलक जी ने ही शुरू करी थी ये क्यों शुरू करी की जिसके अच्छा पीछे लॉजिक क्या होगा कि इन्होंने क्यों शुरू किया गणपति पूजा को क्यों शुरू किया इन्होंने इसके पीछे सिंपल लॉजिक ये था कि किसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर और अपनी बात उनके ऊपर पहचान सकें किसी भी फॉर्म में ठीक है तो ये थी हमारी एक्सट्रीमिस्ट तो अभी जो डिमांड है एक्सट्रीमिस्ट की वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा मैं इसमें कंप्लीट कर सकता था लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा तो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू चल रही है बीच में कुछ टॉपिक नहीं छूटा है मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं जो आज मैंने सवाल पूछा है कि हंटर कमेटी किसने हंटर कमेटी जो थी वो किससे रिलेटेड थी आज आपको सब बच्चों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं शिव त्याग एंड एस टी और आल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट और जो भी बच्चे आराम टू थाउजेंड टन में इनरॉल होना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके ले सकते हैं अभी आपको लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा फीस है मैं मानता हूँ जब मैं पढ़ता तो मेरे को भी लगता था लेकिन एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फीस इज़ जस्ट ऑन पिंच पिंच भी नहीं बोल सकते इतनी फीस रखी गई है और ये फ़ीस हमारी नहीं है क्योंकि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनको हम फ़ीस नहीं दे सकते <laughs> वो केवल उन्होंने अच्छे से पढ़ाया ये केवल हमारा एक्सपेंस है जो हमारा खर्च हुआ है केवल हमने उतनी फीस रखी है जो भी बच्चा नॉल होना चाहे वो मेरा ये कूपन कोड याद रखिएगा शिवम टेन सो यू कैन गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट अप टू सेवन फिफ्टी रुपीज़ इतना रुपए का आपको डिस्काउंट हो जाएगा अगर आर एम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पे ठीक है तो ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए आगे बढ़ते रहिए साइनिंग ऑफ टुडे टेक केयर बाय बाय अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए अपने परिवार का बिल्कुल ध्यान रखिए किसी को बाहर मत जाने दीजिए जब भी वैक्सीन का मौका मिले तो वैक्सीन लीजिए ठीक है धन्यवाद बाय